रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे नबी और रसूल के बारे में इस्लाम के हिसाब से। अल्लाह ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने उन तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए रसूलों को इस धरती पर उतारा। अल्लाह ने अपनी चार आसमानी किताबें तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान भी धरती पर रसूलों के द्वारा ही उतारी। अल्लाह ने रसूलों को इस उद्देश्य से भेजा कि वो धरती पर भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाएं। अभी मैं आपको यह बता देता हूं कि रसूल और नबी में क्या अंतर है। अल्लाह ने रसूल और नबी के बीच में अंतर भी बताया है। रसूल एक नया संदेश या धार्मिक कानून लोगों तक पहुंचाते हैं, बल्कि नबी पुराने संदेशों या धार्मिक कानूनों का ही प्रचार करते हैं। इस प्रकार हर रसूल नबी होते हैं, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होते। इसी प्रकार सभी नबी मनुष्यों में से ही बनाए जाते हैं। अभी रसूल और नबियों के क्या कार्य हैं? अल्लाह के भेजे गए कई रसूलों में मौजूद थे जो कुछ अहम थे, वे थे हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत नूह, अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद साहब थे। कुरान शरीफ में 26 रसूलों के बारे में बताया गया है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।